बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी तस्बीह जो फरिश्तों को आपकी हिफाजत पर मामूर कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपने घर या अपने मकान के दरवाज़े से बाहर निकलता है तो उसके साथ दो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं। जब वो बिस्मिल्लाह कहता है तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं कि तूने सीधी राह अख्तियार की, और जब वो आदमी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो फरिश्ते कहते हैं कि अब तू हर आफत से महफूज है, और जब आदमी तवक्कल तू अल्लाह कहता है तो वो दोनों फरिश्ते कहते हैं कि अब तुझे किसी और की मदद की हाजत नहीं। उसके बाद उस शख्स के दोनों शैतान जो उसके साथ रहते हैं वो उससे मिलते हैं, तो ये फरिश्ते उनसे कहते हैं कि अब तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो जिसने सीधा रास्ता इख्तियार किया, तमाम आफात व मसाइब से महफूज हो गया और अल्लाह की मदद के अलावा दूसरे की मदद से बेनियाज हो गया और हर एक आफत व मुसीबत से बचा लिया गया। आफात व मसाइब से पनाह की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये दुआ बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह घर से निकलते वक्त या सफ़र के दौरान 41 मरतबा अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक के हमराह तलावत करके अपने ऊपर फूंक मार लें। इंशाल्लाह ताला हर आफत मुसीबत हादसात बम ब्लास्ट खून खराबे से अल्लाह की पनाह हासिल होगी। जो माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल कॉलेज या ऑफिस जाते वक्त हर किस्म के हादसात एक्सीडेंट अफातो बलियात बुरी सोहबत शराब जुआ बदकारी या दीगर गुनाहों से अल्लाह की पनाह में रहें तो अपने बच्चों को ये दुआ लाजमी याद करवाएं। ऐसे माँ बाप जो अपनी औलाद को ये दुआ जहन नशीन करवाने में कामयाब हो जाते हैं अल्लाह की रहमत से उनके बच्चे ना सिर्फ एक्सीडेंट हादसात दुश्मनी हसद गुनाह बुरी सोहबत से अल्लाह की हमेशा पनाह में रहते हैं, बल्कि ये छोटा सा अमल आपकी आइंदा नस्लों को भी संवार देगा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन वसीला भी साबित होगा इंशाल्लाह। अलावा अजीं आप जब भी घर से बाहर निकलें या कहीं सफ़र कर रहे हों तो इस दुआ को ज़रूर तलावत करें। इंशाल्लाह ताला ये दुआ सफ़र की बलाओं आफात व मसाए बन जाने हादसात और दुश्मनों के हमलों को नाकाम करने में बहुत ही मददगार साबित हुई है, इसलिए इस दुआ को एक बार ज़रूर आजमाएं। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने से कोई शख्स इस तस्बीह का पाबंद हो जाए और यही अमल आपकी और हमारी आखिरत में निजात का बायस बने, आमीन। मज़ीद रूहानी मसाइल के हल के लिए हमारी वेबसाइट www.pray.net.pk पर विज़िट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।